ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले से, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता के गले में डाल दी गई है खाली बोतलें, क्योंकि तेल नहीं है साहब। लोगों के शरीर में बस खून खून ही बचा है, बाकी तो सारा मोदी ले गया है। और जो राशन पानी है, महंगाई की इतनी मार हुई है कि लोगों के गले में सिर्फ ये देखो, ये खाली खाली बोतले रह गई है, बाकी धन धुन जो भी था सारा मोदी सरकार खा गई है। हाय महंगाई मार गई महंगाई। बहुत टाइम से तेल नहीं मिला, जो तेल डिपो में मिलता था वो भी सरकार खा गई। अब लगता है आटा भी खा जाएगी, अब कणक में भी देखो घुटाले ही घुटाले। ये है मोदी के रूप निराले, तभी तो कहते हैं जुल्मेबाज मोदी सरकार, मोदी सरकार जुमले हटाओ, देश बचाओ, जुमले हटाओ, देश बचाओ। जो सरकार रोटी कपड़ा मकान पानी और बिजली ना दे सके, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो सरकार रोटी कपड़ा बिजली मकान और पानी की व्यवस्था ना करा सके, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। आप द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जाते हैं महंगाई पर, लेकिन महंगाई बदतर जारी है, क्या कहना चाहेंगे उसे? ये देखो, ये महंगाई इतनी हो गई है, अब लोगों के हाथों में खाली बर्तन आने वाले हैं, और इससे ज्यादा वो महंगाई क्या करेंगे? प्रदर्शन में महंगाई कम तो नहीं हो रही, क्या करोगे इसके लिए? हमारा काम है संघर्ष करना, क्योंकि ये जो तानाशाही सरकार है इनके आगे हम तो संघर्ष कर रहे, ज्ञापन सौंपेंगे और ये महंगाई का जो जनाजा निकाल के ये जुल्मेबाजी का जो है इनका पुतला फूंका जाएगा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं पुतला बनाया गया है, महंगाई का जनाजा इसको टाइटल दिया है, और किस प्रकार से आप ये देख सकते हैं तेल की खाली बोतलें हैं और तेल की खाली बोतलों को यहाँ पर पीटा जा रहा है, क्योंकि तेल घरों में नहीं है। और इनका साफ तौर पर ये कह रहा है कि तेल जो है जो पहुंचना चाहिए था डिपो पर वो इनको नहीं मिला, और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तेल की खाली बोतलें हैं वो इनके हाथ में हैं। हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि एक इंसान का एक सपना होता है मैं एक मकान बनाऊं, वो आज ना मकान बना सकता, क्योंकि हर चीज जो मकान बनाने के लिए आज लगती जो खरीदनी पड़ती है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि एक मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल मकान भी नहीं बना सकता। अब आप आ जाए खाद्य पदार्थों के ऊपर, जो सरसों का तेल 115 रुपए की बोतल आज से एक साल पहले थी, आज 200 रुपए लीटर आपको सरसों का तेल हर गरीब अमीर ने खाना है। आज आप टमाटर का दाम देख लीजिए, टमाटर 100 रुपए किलो हो चुका है। आज आप कोई भी सब्जी लेने जाते हैं 1000 रुपए आपकी जेब में है तो घर वाले कहते हैं अरे सब्जी तो थोड़ी सी लाए, पैसे तो लेकर 1000 रुपए गया था, कुछ भी नहीं आता, एक झोली भी नहीं भरती 1000 रुपए की सब्जी में। आज ये शव यात्रा जो हमारी सरकार मोदी जी के खिलाफ और जो खट्टर जी के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई के ऊपर हमारा मुद्दा है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है। मैं एडवोकेट नरेंद्र मान ये कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आम आदमी, चाहे मिडिल क्लास आदमी का एक सपना होता है कि घर बनाऊं, आज ना वो घर बना सकता, ना वो खाने का सामान इतना महंगा हो चुका है। आप आज अगर आप गरीब आदमी को डॉक्टर कहता है कि भैया एक किलो सेब खा ले, सेब 100 रुपए किलो हो चुका है, वो दवाई खाएगा या सेब खाएगा? आप आज ये बताइए, टमाटर 100 रुपए किलो, सरिया 60 रुपए किलो, सीमेंट का कट्टा 400 रुपए का एक कट्टा, बजरी 30 रुपए फुट से महंगी हो चुकी है, 35 रुपए किलो फुट बजरी हो चुकी है। आज आप ये देखिए बिजली के मीटर बदल रहे हैं, लेकिन क्या उसका लाभ हो रहा है? बिजली के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है बिजली बोर्ड में। हर लिहाजे से एक मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट चुकी है, ना कोई घर बना सकता। आप आज शादी ब्याह से देख लीजिए, अगर किसी मिडिल क्लास आदमी ने अपने बच्चे को ब्याहना है या कोई शादी करनी है तो इतनी महंगाई हो चुकी है कि उसको अगर 200 आदमी अपने न्योते में बुलाने पड़ते थे, आज वो 50 आदमी सोचते हैं मैं बुला के अपना काम चला लूं।
तीन कृषि बिलों को तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं मोदी का जो पुतला है वो फिलहाल यहाँ पर फूकने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बोर्ड और आपको दिखाएंगे जिस पर लिखा है जिला कांग्रेस करनाल द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान। और वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई, पिस्ता गरीब, हस्ती भाजपा, महंगाई की मार, जिम्मेवार कौन, भाजपा सरकार, महंगाई की जननी और भाजपा सरकार मुर्दाबाद। तो इस प्रकार का एक बैनर भी यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है। और तमाम जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उनकी यहां पर फिलहाल मौजूदगी भी देखी जा रही है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं। जिला सचिवालय के ठीक सामने आप ये देख सकते हैं, जिला सचिवालय है। और जिला सचिवालय के ठीक सामने आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है। रोष इस बात को देखा जा रहा है क्योंकि महंगाई की जो मार है वो कौन कौन झेलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन जरूर बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें। और किस प्रकार से आज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पुतले को फूंकने की यहाँ पर फिलहाल तैयारी भी जरूर की जा रही है। हमारे किसान भाई, मैं बोलना चाहूंगा कि वो लोग, उनको कम से कम एक सरकारी नौकरी और 50-50 लाख रुपए जो टिकैत साहब ने भी कहा था उनको देने चाहिए। इतनी बड़ी सरकार मरनी जाएगी अगर उनकी कोई मदद कर दे, कोई उनकी सुझाव कोई